हार्दिक अभिनंदन। ताईमुळी नाळबेराविक्क वणक्कम। भाषाएं हमारी मूर्त और अमूर्त विरासत के संवर्धन और संरक्षण की सशक्त साधन है। मातृभाषाओं की मान्यता तथा इनका प्रसार भाषाई विविधता और बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही भाषाई एवं सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूकता निर्माण कर सकता है। जन्म लेने के बाद शिशु सर्वप्रथम माता से जो भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा व्यक्तित्व निर्माण का एक सशक्त साधन है। यह सीखने, समझने एवं ज्ञान प्राप्ति में सरल है। विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनेस्को के द्वारा सन 1999 में प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई। अनेकविध भाषा वैविध्य से भरे भारत देश में इस अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का एक विशेष महत्व है। वर्ष 2021 के इस आयोजन का मुख्य बिंदु है समावेशी शिक्षा और समाज के लिए बहुभाषिता को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 के आयोजन के इस उद्घाटन सत्र का आरंभ हम स्वागत भाषण से कर रहे हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीय श्री संजय धोत्रे जी को। माननीय श्री संजय धोत्रे जी, प्रखर प्रतिभा के धनी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी एवं भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी और भारत के सांस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी तथा वर्चुअल माध्यम से हमसे जुड़े हुए सभी मान्यवर भाइयों एवं बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का ऐलान किया था और 21 फरवरी 2000 से पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है। भाषा संवाद और अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। हमारे विचार को एक दूसरे को जानने के लिए भाषा से अच्छा और प्रभावी क्या हो सकता है और मातृभाषा से अधिक सहज और सुगम भाषा और कौन सी हो सकती है। छोटे बच्चे अपने घर की भाषा मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। पौधे को फल आएगा या नहीं यह वो बड़ा होने के बाद तय नहीं होता, यह तय होता है उसका आरंभिक पोषण कैसे हुआ है उस पर। बचपन की शिक्षा यदि मातृभाषा में हो तो वह अधिक असरदार होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने इस आम बात को ध्यान में रखकर मातृभाषा में अध्ययन को बढ़ावा दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के कुशल मार्गदर्शन में आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि जहां तक संभव हो कम से कम पांचवी कक्षा तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि आठवीं कक्षा और उसके आगे तक भी शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं, मातृभाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक सूत्र में जोड़ने का संकल्प किया है। बहुभाषिकता हमारा सामर्थ्य है और इसे हम और मजबूत करना चाहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राज्य की जोड़ियां बनाई गई है, जैसे दिल्ली के साथ सिक्किम या फिर महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा। उदाहरण के तौर पर इससे मराठी मातृभाषा बोलने वाले लोगों को उड़िया भाषा सीखने और समझने का भी अवसर मिलेगा और उड़िया मातृभाषिक लोगों को
मराठी साहित्य कृतियों का आस्वाद लेने का मौका मिलेगा। हमें इस मुहिम को और आगे लेकर जाना है। साथियों, भाषा हमारे संस्कृति सभ्यता की और हमारे गौरवशाली धरोहर की वाहक है। भाषा का महत्व तब बढ़ता है जब वह साहित्य, कला और संस्कृति के साथ साथ ज्ञान की भाषा बन जाती है, व्यापार की परिभाषा बन जाती है, उद्योग की भाषा बने। अपने भारत में हजारों बोलियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति हिंदी, संस्कृत हिंदी, तमिल, मराठी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, उड़िया, ऐसे अनेक भाषाओं को बोलने वालों की संख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। परंतु जब तक हम एक भाषा में निर्मित ज्ञान संपदा दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, तब तक यह ज्ञान संपदा उसी भाषा तक सीमित रह जाती है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में अब इस प्रकार की बंदिश को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी अभी बजट में नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन घोषित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि की मदद से इस पर काम किया जाएगा। भाइयों और बहनों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम सभी लोग मातृभाषा को बलशाली बनाने का संकल्प लेंगे। भाषा प्रासंगिक रहे और प्रवाही रहे, इसलिए मातृभाषाओं के शब्दकोश एवं शब्द भंडारों को निरंतर अद्यतन रहना चाहिए। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अन्य भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्य संपदा का मातृभाषा में अनुवाद होना चाहिए। मातृभाषा में बाल साहित्य, छोटे बच्चों की कहानियां आदि को विकसित करने पर जोर देना होगा। मातृभाषा में अच्छा लिखने वाले युवा लेखकों को आइडेंटिफाई करके उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उनकी मेंटरिंग करनी चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। मेरे लिए गर्व की बात है कि भाषा के क्षेत्र में उत्तुंग कार्य करने वाले व्यक्तित्व मेरे पश्चात अभी अभी अपने विचार प्रकट करेंगे। हमारे उपराष्ट्रपति जी महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री जी और आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह जी पटेल। आप स्वतंत्र पदभार वाहक मंत्री के रूप में संस्कृति मंत्रालय का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। माननीय श्री प्रह्लाद सिंह जी पटेल से अनुरोध है कि आप इस आयोजन को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री जी, मातृभाषा दिवस पर मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मार्गदर्शक आदरणीय श्री वेंकैया नायडू साहब, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, मेरे निकटतम मित्र और जिनके हम अभी बात सुन रहे थे आदरणीय संजय धोत्रे जी, सभी अधिकारीगण और वर्चुअल तौर पर जुड़े हुए सभी बंधु भगनीगण, हर भाषा की अपनी तासीर होती है। मातृभाषा आदमी को निश्चल और पवित्र बनाती है। जब हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं तो लगता है जैसे हम अपने घर पर आ गए। हमें सहजता का अनुभव होता है, पवित्रता का बोध होता है। मातृभाषा बोलते समय हर व्यक्ति एक अलग तरह की आत्मीयता का अनुभव करता है। वो भाषा जो हमारी माँ बोलती है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। कहते हैं कि हम अपने सपने अपनी मातृभाषा में देखते हैं, हम सोचते भी अपनी मातृभाषा में हैं। हमें भाषाएं सीखनी पड़ती है लेकिन मातृभाषा हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से पनपती है। जिस तरह से हमारा व्यक्तित्व अपनी संस्कृति में पनपता है, उसी तरह से व्यक्ति को उसकी मातृभाषा भी अनुभूति की सतह पर मजबूती प्रदान करती है। हम पेड़ की तरह
अपनी मातृभाषा के जरिए अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जीवन को सींचते हैं और जीवन को खींचते भी हैं, अनुभव हासिल करते हैं, समझ विकसित करते हैं। हम अपनी मातृभाषा में भी अनुभूतियां बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। कहावत है कि व्यक्ति परदेश में ही क्यों ना हो, प्रेम और गुस्सा व्यक्ति मातृभाषा में ही जानता है और उसका प्रकटीकरण भी करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सहजता की अभिव्यक्ति की भाषा मातृभाषा ही है। हर भाषा का अपना साहित्य होता है, अपनी कहावतें, अपने मुहावरे, अपनी लोक कथाएं, अपनी कलाएं भी होती हैं। इस हिसाब से भारत सांस्कृतिक रूप से विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में आपको बड़ी संख्या में विविध तरह की मातृभाषाओं में संवाद करते मिलेंगे। अलग अलग भाषाओं की जानकारी हमें समृद्ध करती है, हमारी सोच को नए आयाम देती है। हमें किसी भी स्थान के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए वहां की स्थानीय भाषा जानना फायदेमंद साबित होता है। ये अलग अलग बोली जाने वाली भाषाएं हमारी संस्कृति को सतत सनातन सतरंगी बनाती हैं। अगर हम एक तरह की भाषा बोलते तो हमारे जीवन विविध ना होकर एक तरह की जीवनचर्या की सपाटता का शिकार हो सकते थे। मातृभाषा की एक और विशेषता मैंने देखी है कि हर इलाके की अपनी कुछ विशिष्ट पहचान होती है। उसकी विशिष्टताओं को व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही जता सकता है, बता सकता है। माँ जो कहानियां सुनाती है, उसके पात्र, उसकी वेशभूषा, उसका पूरा का पूरा संसार उसी भाषा में पलता है। मछली की तरह इन्हें बाहर निकालो तो उसकी चमक मर जाती है। सो हम कह सकते हैं कि मातृभाषा का अपना एक संसार होता है, अपने किरदार होते हैं, अपनी अनुभूतियां होती हैं, अपनी अभिव्यक्तियां होती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यह संकल्प हमको अपने भीतर पूरे शिद्दत के साथ में रहना होगा कि हमारी मातृभाषा हमारा अभिमान है, हमारा जीवन है, हमारी संस्कृति की वो लहरें हैं जो हमको विशिष्ट बनाती हैं। मैं फिर से सभी का धन्यवाद करते हुए मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कि हम संकल्पित होकर ससम्मान स्वाभिमान के साथ हमेशा उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। समावेशी शिक्षा और समाज के लिए बहुभाषिता को प्रोत्साहन, इस मुख्य बिंदु को लेकर आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 के इस कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि का पद विभूषित कर रहे हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। लेखक, साहित्यिक, कवि और संवेदनशील चिंतक के रूप में आपने देश विदेश में ख्याति अर्जित की है। सम्मान्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से हमारा अनुरोध है कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 के अवसर पर हमारे बीच सौभाग्य से आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति और प्रख्यात चिंतक, वक्ता, विचारक और विभिन्न विषयों के ज्ञाता परम श्रद्धेय श्री एम वेंकैया नायडू जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय संस्कृति पर्यटन मंत्री और हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, मेरे अनन्य सहयोगी और शालीनता और प्रखरता की प्रतिमूर्ति श्री संजय धोते जी, भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री, श्री सच्चिदानंद जोशी जी जिनकी इन सारी गतिविधियों में लगातार महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रजनीश शुक्ला जी, हिंदी संस्थान आगरा के उपाध्यक्ष अनिल जी, हिंदी निदेशालय के निदेशक डॉक्टर रमेश पांडे जी, NBT के निदेशक कर्नल युवराज जी, हमारे सभी भाषा तेलुगु भाषा परिषद के निदेशक से सभी पद अधिकारीगण, सभी भाषाओं के निदेशालयों के अधिकारीगण, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण,
और देश के कोने कोने से विभिन्न भाषाविद जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर, जबकि आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जा रहा है और भाषाओं के प्रति आप चेतना का ये उद्भव उद्गम हो रहा है, ऐसे अवसर पर मैं आप सबके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और विशेष करके मैं अपने महामहिम उपराष्ट्रपति जी, जिनके सानिध्य में हम लगातार भारतीय भाषाओं की सशक्तिकरण की दिशा में न केवल चिंता कर रहे हैं, न केवल ठोस कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रगति पूर्वक उस भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि भाषा की महत्ता न केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ी है, बल्कि उसके संस्कृति और उसके संस्कारों से भी जुड़ी है। जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी ने कहा है, भारत में विभिन्न भाषाओं की एक लंबी समृद्ध परंपरा है, और मैं ये समझता हूँ कि चाहे महर्षि पाणिनी हो, कात्यायन हो, पतंजलि हो, रतिहरी हो, तुलका पियार हो, जैनेन्द्र हो, आचार्य हेमेंद्र जैसे विद्वानों का जो योगदान रहा है भाषाओं के विकास में, और विभिन्न भाषाओं में पीछे के समय मुझे अच्छा लगा कि जब हम महामहिम उपराष्ट्रपति जी के सानिध्य में हम नेलुरु में उस संस्थान की स्थापना कर रहे थे, तब वहाँ के तेलुगु के सारे, कन्नड़ के उन लेखकों का भी हमने उस समय सम्मान किया था। और मैं ये समझता हूँ कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो कुछ लिखा है वह किसी भी आधुनिक वर्णनात्मक व्याकरण की पुस्तक से में मिलना तो दूर दूर तक भी सामान्य नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। और इसका जो संचार माध्यम था और रचनात्मक प्रणाली थी जो भारत की, वो विभिन्न भाषाओं में, वो अपने में एक अद्भुत थी। 14वीं शताब्दी में मैथिली कोकिल विद्यापति ने लिखा था कि देसिल बैना सबजन मिठा, ते तैसन जपों अवट्ठा, अर्थात देसी बोली अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं वैसी ही अपभ्रंश में काव्य की रचना करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी भाषा में वो अच्छी है खराब है, मुझे क्योंकि अभिव्यक्ति मेरी ज़्यादा प्रभावित होती है, अच्छी लगती है, बाहर निकलती है, तो इसलिए मैं अपनी इन भाषाओं का को प्रयोग करता हूँ। और इसी अनुगूंज में स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन को भी हमारे मन मस्तिष्क में 24 घंटा रहता है कि विचारों को लोगों की भाषा में सिखाया जाना चाहिए। हमेशा विवेकानंद जी ने भाषाओं के माध्यम से, गांधी जी ने हमारे बीच जिन जिन बिंदुओं को कहा है उनके माध्यम से यदि देखेंगे तो बहुत सशक्त माध्यम हम अपनी मातृभाषा के रूप में किया है। और मुझे याद आता है, मैंने पढ़ा कि एक दीक्षांत समारोह में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया और मातृभाषा का एक गहरा समन्वय, हजारों साक्ष्य एवं केस स्टडी हमारे पास मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि हर मानव ज्ञान अर्जन को उत्कृष्ट तक तभी ले जाया जा सकता है जब उसका माध्यम उसकी मातृभाषा हो। उन्होंने ये भी कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, कि शिक्षा में मातृभाषा का वही स्थान है जो एक नवजात शिशु के लिए माँ के दूध का है। वो इससे भी आगे जा करके रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमें खुद ही भोजन को मुंह में डालना पड़ता है, उसे अपने ही दांतों से चबाना पड़ता है, अपने ही पेट में पचाना पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञान की अपने ही प्रवेश अपनी ही मातृभाषा में पचाया जा सकता है। का मतलब जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं उसको हम अपनी मातृभाषा में ही अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। और यदि विवेकानंद जी के बारे में मैं चर्चा करूं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं और जिसको हम भारत की शिक्षा नीति में भी उनका दर्शन हमने करा है, उन्होंने कहा कि भाषा को हमें विस्तार देना चाहिए, यह मानव सृजन की एक अनिवार्य शर्त है। अगर एक से अधिक भाषा को सीखना है तो अनिवार्य है कि पहली भाषा अपनी मातृभाषा हो और उसके बाद अन्य भाषा, तभी मानव का विकास विलक्षणता से हो सकता है। ये हमारे विवेकानंद जी ने कहा कि
ठीक है, दुनिया के तमाम भाषाओं को सीखा जा सकता है, सीखना भी चाहिए, लेकिन यदि उसकी विलक्षणता को बाहर करना है तो उसकी पहली शर्त है कि उसको उसकी मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि शिक्षक और भाषा का एक बड़ा अंतरंग संबंध है। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसकी भाषा सरल हो, सरलता से सभी संभव है, जब आपके विचार सरलता से समझाए जा सकें और विचार केवल मातृभाषा रूपी रथ पर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि हम पीछे से भी देखेंगे तो सभी ने शुरू से लेकर के पाणिनि से लेकर के और आज तक जितने भी हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने, और आज के भी यूनेस्को का आपने जिक्र किया, यूनेस्को ने भी लगातार ये अनुरोध किया है कि नहीं अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जा सकती है, दी जानी चाहिए, उसी में ज़्यादा सार्थकता होगी। और यदि हरिश्चंद्र जी को देखें तो उन्होंने अपनी कविता में ही लिख दिया कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कसूल। तो ये हमारे उन लोगों ने इस भाषा पर हमेशा कहा है, और मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात को कहा है कि जो अपनी मातृभाषा में वो 80-90% तक का बच्चे का जो अंदर की अभिव्यक्ति है वो बाहर निकलती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, उस दृष्टिकोण को हम NEP 2020 में लाई हैं, जिसमें हमने बाल्यकाल से ही मातृभाषा में पढ़ने और पढ़ाने का किया है और इसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। मैं समझता हूँ NEP के आने के बाद जिसको हमने कहा कि हम मातृभाषा से प्रारंभिक शिक्षा शुरू करेंगे और कोई भी प्रदेश यदि उच्च शिक्षा तक भी अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है तो उसको भी खुली छूट होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार किया है और हर्ष व्यक्त किया। देश के कोने कोने से जो समाचार मिलते हैं वो हर समाज हर क्षेत्र के लोगों ने इसका स्वागत किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि अब मातृभाषा में हम हमारे इंजीनियर भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे, और जो यदि इंजीनियर और डॉक्टर हमारी मातृभाषा में होंगे तो मैं सोचता हूँ वो सामान्य बात नहीं। और क्योंकि हम अपनी मातृभाषा को न केवल शब्दों का समन्वय और सामंजस्य कहते हैं बल्कि उसकी संस्कृति है, उसमें ज्ञान है, वो उसमें विज्ञान है, आचार है, व्यवहार है, उसकी परंपराएं हैं। वो यदि उस भाषा को देखेंगे तो यदि आज देश के अंदर हमारे भारतीय भाषाएं भी हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ये लगभग 22 ऐसी भारतीय भाषाएं जिसकी खुशबू है और हम बहुत आभारी हैं। मैं देखता हूं कि शरदेय वेंकैया जी जिस जहां भी रहे होंगे उनके लेख भाषा के प्रति, चाहे समाचार पत्रों में अंग्रेजी हो, हिंदी हो, वो जो कन्नड़ भाषा में हो, विभिन्न देश की भाषाओं में अपनी भाषा के प्रति जो आग्रह है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी का रहा है, ये देश उनके इस मार्गदर्शन को अपने मन और मस्तिष्क में लेकर के आगे बढ़ता है। राज्यसभा में भी जिस तरीके से हमने देखा है, आप सबको कहते हैं नहीं अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में बोल सकते हो अपनी भाषा में बोलो, और जब अपनी भाषा में कोई बोलता है तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी को मैं महसूस कर सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आपके संरक्षण में ये भाषाओं का संरक्षण हो रहा है, ये बढ़ रही हैं। हमारी 121 भाषाएं प्रचलित हैं जिसको 97-98% तक हमारे देश के लोग बोलते हैं, और भाषाएं बोलियां तो हमारी हजारों हैं और भाषाएं भी ये सैकड़ों 121 तो ऐसी भाषाएं हैं जो 10,000 से ऊपर जिन लोगों को लोग बोलते हैं उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बहुत तेजी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और इनको तकनीकी की तरीके से और बहुभाषिक तरीके से जैसे हम लोग नई शिक्षा नीति में भी इसको लेकर के आए हैं, हमारी कोशिश है, हमारी ये कोशिश है कि हम इसको किसी तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं और इनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर सकें, इनका संरक्षण भी हो। और इसी सोच के जो भारतीय भाषा संस्थान मैसूर का जो राष्ट्रीय परीक्षण सेवा भारत द्वारा भारतीय भाषाओं और साहित्य के क्षेत्र में परीक्षण और मूल्यांकन
हेतु पद्धतियों, सामग्री और प्रशिक्षित मानव की शक्ति के विकास के लिए लगातार काम हम कर रहे हैं और इसी दिशा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी संस्थान आगरा हो, तमाम भाषाओं के अलग अलग निदेशालय हो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग हो, हिंदी निदेशालय हो, सेंटर फॉर उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर हो, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हो, और सिंधी भाषा प्रचार परिषद हो, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो, तमिल भाषा निदेशालय हो, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, ये सभी मुझे लगता है देश की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसके लिए अलग से उसके विकास और उसके उत्थान की दिशा में गवर्नमेंट काम न कर रही हो। लगातार हम काम कर रहे हैं सभी भाषा और बोलियों के विकास के दिशा में। जैसे अभी एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा उच्च शिक्षा के पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद करके उन्हें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का अभियान जारी है, और वही दूसरी ओर संस्थान द्वारा अन्य भाषाई साधन स्रोतों का निर्माण किया जा रहा है ताकि भारतीय भाषाओं का सशक्त तरीके से उसका विकास हो सके। भारतवाणी परियोजना के माध्यम से सभी 121 इन भाषाओं के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर है और इसको और विस्तार देने की ताकि ये भारतीय भाषा ये लुप्त न हो और संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया जैसे शास्त्रीय भाषाओं के जो उपलब्ध प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की पहचान करके उनके संवर्धन और संरक्षण की दिशा में सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी आगे काम हो रहा है और निश्चित रूप में जो वैश्विक स्वभाव में जो हमारे एक आदर्श बहुभाषिक प्रयत्न है वो भी इसमें आगे काम करेगा। और जो प्रस्तावित भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान है, अंतर्भाषिक अनुवाद और निर्वचन कार्यों को इसने प्रोत्साहन ये कर रहा है और इसके माध्यम से सभी मातृभाषाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मातृभाषा में अपना भाषण दिया था और पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने तो उसको न केवल हर्ष और उल्लास का विषय माना था बल्कि पूरी दुनिया ने भी उसको की सराहना की थी। मातृभाषा में पूरे विश्व को एक नई पहचान और मजबूती उन्होंने दी थी कि मातृभाषा हमारा प्राण है, प्राणों की अभिव्यक्ति हमेशा भाषा ताकत देती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा ही कहा है कि जो संकल्प से सिद्धि की ओर जाने की बात की और सभी भाषाओं के सशक्तिकरण के लगातार उन्होंने चर्चा की, उनका भी हम लोगों को आशीर्वाद लगातार रहा है। स्कूली स्तर पर जो ये त्रिभाषा फॉर्मूला हमने लगातार किया है, अब वो मातृभाषा के रूप में निश्चित रूप में बहुत सशक्तिकरण के साथ आगे आएगा क्योंकि हमने शुरू से कहा कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ जो वहाँ की जो भाषा है उसको सशक्तिकरण जरूर किया जाएगा। और इसलिए ये जो भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान के लिए इस समय इस बजट में 50 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया और भारतीय भाषाओं को सशक्तिकरण 21 और 20 में जो इसके संस्थानों को 433 करोड़ रुपए का उसके लिए अलग से बजट में भी प्रावधान किया, केवल बोलना नहीं बल्कि उसको कैसे करके विकसित किया जा सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केंद्र को 57 करोड़ रुपए की अभी स्वीकृति भी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में आज बहुत सारे संकल्पों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत और भारतीयता के अमर गायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यदि मैं पंक्तियों को पढ़ूं जो लगभग 150 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार, ये जो उन्होंने कहा है निश्चित रूप में उसी रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं। और इस ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पर पूरी दुनिया की जो भी भाषाएं हैं, जो उनकी भाषाओं में संस्कृति सभ्यता है और परंपराएं समाहित है,
उनकी पुनर्जागरण की भी जरूरत है और जो भाषाएं उनके सशक्तिकरण की भी जरूरत है। हम भारत की सभी भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध हैं और एक बार हृदय की गहराइयों से ये सभी भाषाविद अपने देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति जी, जिनका हमेशा हमको संरक्षण रहा है, जिनका मार्गदर्शन मिला और जो पूरी ताकत के साथ बिना किसी बात की लाग लपेट के जिन्होंने भारतीय भाषाओं की उन्नति की दिशा में सशक्तता से अपने न केवल अपने विचार प्रकट किए बल्कि उसका रास्ता भी प्रशस्त करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया है, ऐसे अवसर पर मैं एक बार हृदय की गहराइयों से अपने उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूँ। और देश और पूरी दुनिया से आज इस अवसर पर जुड़े हजारों हजारों लाखों लाखों अपने सभी उन साथियों को जो भाषा के प्रति चिंतित हैं और उनके संरक्षण के लिए संकल्पित हैं, उन सब का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। विविध भाषाओं, उनकी लिपियों तथा संस्कृतियों का सामूहिक ज्ञान कैलीग्राफी अर्थात सुलेखन कला के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के इस आयोजन में हमारे साथ विश्वभर से सुलेखन विशेषज्ञ कलाकार भी सहभागी हैं। किसी भी संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा आवश्यक है। विश्व में भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपियां भिन्न भिन्न हैं। किसी अक्षर की आकृति प्रायः बोलचाल की भाषा से अधिक मात्रा में संस्कृति का परिचय दे सकती हैं। अतः विश्व में विविध भाषाओं एवं संस्कृतियों के संरक्षण के लिए लेखन कला का संरक्षण आवश्यक है। विभिन्न भाषाओं तथा लिपियों में अपनी सुलेखन कला को प्रदर्शित करने के लिए इस आयोजन में 15 देशों के सुलेखन कलाकार सहभागी हुए हैं। इस इंटरनेशनल वर्चुअल एग्जीबिशन ऑन कैलीग्राफी, इसका उद्देश्य है वैश्विक विविधता तथा भिन्न भिन्न भाषाओं के सामंजस्य का प्रकाशन। माननीय उपराष्ट्रपति जी की अनुमति से अब इस इंटरनेशनल वर्चुअल एग्जीबिशन ऑन कैलीग्राफी का उद्घाटन हो रहा है। आज इस उद्घाटन सत्र में प्रस्तुत है इस प्रदर्शनी की कुछ झलकियां।
इस संपूर्ण प्रदर्शनी का डिटेल टेलीकास्ट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आयोजन के अंतर्गत 24 फरवरी को दोपहर बाद 3 बजे किया जाएगा। वर्ष 2021 के इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में विराजमान हैं भारतवर्ष के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान एम वेंकैया नायडू जी। भारतीय राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में प्रायः 5 दशकों से सक्रिय माननीय वेंकैया नायडू जी भाषाओं के प्रति गहन अभिरुचि रखते हैं और स्वयं भी बहुभाषाविद तथा उत्तम वक्ता हैं। भाषाओं के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु आपने प्रशंसनीय योगदान दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समायोजन का औपचारिक रूप से उद्घाटन करें तथा आपके उद्बोधक एवं प्रेरक वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी, सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग का मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और राज्य मंत्री शिक्षा विभाग श्री संजय धोत्रे जी, सचिव सनिता खारवाल जी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स का निर्देशक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी और वरिष्ठ सभी अधिकारी और देश भर में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी आचार्यगण और विद्यार्थी बहनों और भाइयों, अंदरिकी नमस्कार। चारा संतोषम ईरोजु अंतर्जातीय మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడేందుకు అవకాశం లభించడం మేరా మన్ మే బహుత్ ప్రసన్నత హై కి ఆజ్ ఇస్ అంతర్రాష్ట్రీయ మాతృభాషా దివస్ కే ఉపలక్ష్యమే ఫాస్టరింగ్ మల్టీ లింగ్విజం ఫర్ ఇంక్లూజన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అర్థాత్ సమావేశీ శిక్షా ఔర్ సమాజ్ కే లియే బహుభాషావాద్ इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस वेबिनार के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी से संवाद करने का सुयोग मिला है, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। आप सबको मेरा शुभकामना है। आज का दिन मेरे लिए विशेष है, यह दिन उस विषय को समर्पित है जो मेरे हृदय के सबसे निकट रहा है। यह दिन हमारी भाषाई विविधता का उत्सव मनाता है। सच पूछिए तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हमारे हरेक सांसद को पत्र भी लिखा है, उसे अपनी मातृभाषाओं की अधिक से अधिक प्रयोग करना तथा भारत की समृद्ध भाषाई विरासत को संरक्षित करने का आग्रह किया है। फॉर इंफॉर्मेशन आई ऑल्सो रोट आर्टिकल्स इन 22 न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द कंट्री in different languages, in almost 22-21 languages, so that the people who are familiar with the different languages, which are their mother tongue, they understand this issue better and then they propagate it. UNESCO General Conference has approved the proposal in 1999 to observe this the language day, which was inspired by Bangladesh agitation because before liberation of Bangladesh 1971, Bengali was not allowed. So they have to struggle for recognition of their language. Since throughout the world, 2000 onwards, this International Mother Language Day is being observed. I'm happy that the Minister of Education, led by Sri Ramesh Pokhriyal ji, Sanjay Dhotre, and along with Culture Ministry, Prahlad ji, you all have joined together to preserve
एंड प्रमोट मदर लैंग्वेज एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। मेरा शुभकामना है आपको, आप तीनों को मेरा अभिनंदन है और मैं आशा करता हूँ इस कार्यक्रम को आने वाले दिनों में और तेजी से हर एक स्तर पर जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इंडिया इज होम टू हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स। अवर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ अवर एंशियंट सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू रीसेंट लैंग्वेज सेंसस वी हैव 19,500 लैंग्वेजेस आर डायलेक्ट्स। In fact, there are 121 languages spoken by 10,000 or more people in our country. No wonder that this treasure of our living heritage still contains the imprints of our rich ancient past. Language is the vital unseen thread that links the past with the present. Our languages are thus a repository of our collective knowledge and wisdom which we have amassed over the course of the long journey of our vibrant civilization. My dear brothers and sisters, amongst the multitude of languages in India, one language, our mother tongue, holds a special place in our hearts. A word or even a syllable in our mother tongue can evoke an emotional response in all of us. It thus goes without saying that such an important link to our socio-cultural identity needs to be protected, preserved, promoted, propagated. Due to globalization and homogenization, the United Nations warns that every 2 weeks a language disappears, taking it with entire cultural intellectual heritage. At least 43% of the estimated 6,000 languages spoken in the world are endangered. This has to be understood by all, the entire world community should understand this. They say once a language is lost, humanity loses its part of its heritage. India has the highest number of endangered languages in the world, with 195 Indian languages under this category and many more under immediate risk. So, I'm happy that the Minister of Education has instituted the scheme for protection and preservation of endangered languages. Another pertinent issue is that we must urgently address is the use of mother tongue in education. I would like to quote Gandhiji in this context. Quote, "The foreign medium has caused brain fog, put an undue strain upon the nerves of our children, made them crammers and imitators, unfitted them for original work and thought, and disabled them for penetrating their learning to the family or masses. The foreign medium has made our children practically foreigners in their own land. It is the greatest tragedy of the existing system." Unquote, Mahatma Gandhi. Understand the message. It is unfortunate that not much has changed in our attitude since Gandhiji wrote this in 1921. We must realize that educating a child in a language that is not spoken at home can be a big impediment to learning, especially at the primary stage. We must now come to the conclusion that the initial teaching should be in mother tongue. It boosts the child's esteem and enhances his or her creativity. The educators and parents must take cognizance of this fact. I'm happy that the new education policy encourages schools and states to adopt mother tongue as the primary medium of instruction at least until grade 5. Why grade 5? Why not up to 8th? We must adopt this directly with the letter and spirit. As Gandhiji said, again I quote, "The sooner therefore educate India shakes itself free from the hypnotic spell of the foreign medium, the better it would be for them and the people." That is a reminder that rings true even today. Focusing on our mother tongue is not to suggest that one need not learn other languages. Like English, you learn as many languages as possible. One should learn. But what is required is a strong foundation in our mother language. प्यारे बहनों और भाइयों, अभिभावक और शिक्षकों,
और बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा सीखने के साथ साथ एक भारतीय तथा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे न केवल बच्चे की भावी करियर में सहायता मिलेगी बल्कि हमारा राष्ट्रीय एकता भी दृढ़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने एक सुझाव दिया, दक्षिण भारत वाले एक उत्तर भारतीय भाषा सीखे और उत्तर भारतीय वाले एक दक्षिण भारतीय सीखे, इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगा। कितने ही अध्ययनों से मालूम चलता है कि बहुभाषा ज्ञान से बच्चों का सोचने समझने सीखने की क्षमता बढ़ती है। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा सीखने से सांस्कृतिक सौहार्द और सहिष्णुता बढ़ती है, नए अनुभव के नए क्षितिज उदय होती है। मैं हमेशा कहता हूं मातृभाषा इज लाइक योर आईज एंड अदर लैंग्वेज इज लाइक योर स्पेक्टिकल्स। इफ यू हैव आई साइट यू कैन डेवलप फोर साइट इन साइट थ्रू योर स्पेक्टिकल्स। If you don't have eyesight, then you cannot move. This has to be understood. I have always believed that the language of administration should be the language of the people. First, primary education should be in mother tongue. Second, the language of the administration should be the language of the people. Third, we must increase use of mother tongue in our governance at state and local levels. Only by communicating with common person in a language he or she understand can include him or her in the process of governance and development. Sending circular in a foreign language, in a language which is not known to the local people, what is the purpose? This should come at the top too. That's why I made a provision in the Rajya Sabha that any of the 22 scheduled language members can express themselves. A step towards inclusive multilingualism was also taken when the Supreme Court decided to make available translation of its judgments in 6 of the 22 official languages in the initial phase. And it should go on, and you must include all the 22 languages. I'm also happy about the new initiative planned by the Government of India to achieve a truly multilingual society in India, such as the National Translation Mission, the Bharat Vani Project, schemes for protection and promotion of endangered languages through the Central Institute of Indian Languages. In addition, there are new initiatives this year, like setting up a Bharatiya Bhasha Viswavidyalaya and a proposed Indian Institute of Translation and Interpretation that would promote their interlingual translation. All these efforts will go a long way in promoting and protecting our language. But the language can be protected. First of all, everyone should speak mother tongue at home. हर एक नागरिक से मेरा प्रार्थना है घर में मातृभाषा में ही बात करे, माँ को माई कहे, मम्मी डैडी लाने का जरूरत नहीं। बहनों और भाइयों, भाषाएं विशेषकर हमारा मातृभाषा है हमारा पहचान, हमारा शिक्षा संस्कार, हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारे देश की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। फिर भी विभिन्न कारणों से ज्ञान की इन धाराओं पर सूखने का खतरा मन रहा है। जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषाओं का अपनाए, उनका सम्मान करें, उनका संरक्षण करें। याद रखें कि कोई भी भाषा लगातार प्रयोग करते रहने से ही जीवित रहती है। अगर आप किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप उसको खो बैठेंगे। हमें आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा बोलने में गर्व होना चाहिए। हर दिन मातृभाषा दिवस होना चाहिए। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक लोग अपने घर पर, अपना पड़ोसी के साथ, अपना परिवार के साथ, अपना समुदाय में, बैठकों में और प्रशासन में अपनी स्थानीय मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। वंस अगेन आई अर्ज अपॉन द पीपल, फर्स्ट स्पीक मदर टंग एट होम, second, talk to your neighbors in local language. Third, all marketplaces you must have signboards in local language. Then you can have other languages too. Restaurants, all signboards. And then also the language of administration should be the local language. Then you can have other languages too. Third, the language of medium of instruction should be local language. Then you can have other languages too. Then in the coming days,
the courts in India, right from the district court to high court to supreme court, they must also start using Indian languages, promote Indian languages, provide translation to other languages. People's language should be there everywhere. And then I hope to see in future that medicine, engineering, technology, science, all these things are also taught in Indian languages, in mother tongue. This is not to suggest not to learn English. Learn English. Speak English also. But first speak, master your mother tongue. Then go to other languages. We must combine our energies to preserve and promote our Indian languages. I'm happy that this initiative by the UNESCO, International Mother Language Day, is a very good initiative. All countries must take it in all seriousness and respect and propagate their native languages. Let us, each one of us, commit ourselves to learn, use and enrich our mother tongue first. That should be the message of today. Please see to it that this message reaches everyone. Prati okkaru into matru bhashalo maatadam. తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో మాతృభాష, పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో మాతృభాష, పక్కన వాళ్ళతో మాతృభాష, ఆ తర్వాత ప్రాథమిక శిక్ష మాతృభాషలో, ఆ తర్వాత మన యొక్క పరిపాలన మాతృభాషలో, ఆ తర్వాత కోర్టుల యొక్క వ్యవహారాలు మాతృభాషలో, ఆ తర్వాత మన సైన్స్ శాస్త్రీయ పరిజ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని కూడా మాతృభాషలో, ఆ తర్వాత మనం ఇతర భాషల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు భాష భావన ఇవి రెండు కలిసి ముందుకు వెళ్తాయి. భాష భావన ఏక్ సాత్ చల్తాయి. ఇసే జరూరీ హై కి హమారా భాష ఒక సంరక్షణ కన్నా బహుత్ జరూరీ హై. ఇసే మై ఔర్ జ్యాదా బోల్నే కా కోయి మై జరూరత్ మహసూస్ నహీ కర్తా హూం. మై చాహతా హూం కి ఇస్ ఉద్యమ్ కో ఔర్ హమ్ సబ్ లోగ్ మిల్కర్ ఆగే లే జాయే. ఔర్ మై రమేష్ జీ కో ఔర్ प्रहलाद जी को और संजय भाई धोत्रे को बधाई देते हो कहता हूँ. इसको निर्विघ्न चलाए, हमेशा चलाए, हर स्थाय पर चलाए. और क्योंकि ये हमारा जीवन धारा होगी और भाषा हमारा आत्मा है. भाषा आत्मा है, मातृभाषा हमारा आत्मा है. वो आत्मा को हम लोग संरक्षित करें, संप्रोक्षण करें और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. आप सबको शुभकामना है. माय ग्रीटिंग्स टू ऑल पीपल हु स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज इन द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. लेट ऑल लैंग्वेज लिव लॉन्ग एंड लेट इंडियन लैंग्वेजेस बी प्रोपगेटेड, प्रमोटेड एंड लॉन्ग लिव मदर टंग ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. जय हिंद. साधुवादाः माननीय उपराष्ट्रपति महोदय. माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके प्रोत्साहक और प्रेरणादायक मधुर उद्बोधन से हम कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं. इस दिवस की लक्ष्य पूर्ति के प्रति अग्रसर होने के लिए यह उद्बोधन सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा. आपके प्रति कोटिशः आभार. वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के इस उद्घाटन सत्र में अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं. धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को. आज के इस आयोजन के सम्माननीय मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय महामहिम उपराष्ट्रपति जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं इस पटल पर जुड़े सभी सम्माननीय विद्वान देवियों और सज्जनों, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, निज भाषा उन्नति बिना कभु न वह सोए, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोए,
एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग तबय बनत हैं सवन सो मिटत मूढ़ता शोक। ये पंक्तियां आज से लगभग 150 वर्ष पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी और उसके पहले से भारत भूमि में मातृभाषा के प्रति सम्मान और अनुराग की भावना रही है। यूनेस्को ने सन 2000 से मातृभाषा दिवस मनाने का संकल्प लिया। इस वर्ष इसका उद्देश्य और इसका जो ब्रीद वाक्य है वो फोस्टरिंग मल्टी लैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी है। आज हम महामहिम उपराष्ट्रपति जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मातृभाषा के प्रयोग के बारे में उनका आग्रह और अनुराग सर्वविदित है। वे आज हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरणा देने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हुए, इसके लिए हम सभी उनके हृदय से आभारी हैं। उन्होंने सतत ही हमें प्रेरणा दी है इस आयोजन को मनाने की और हम आश्वस्त करते हैं कि हम भविष्य में भी उनके मार्गदर्शन के अनुसार इस आयोजन को करते रहेंगे। हाल ही में घोषित और लागू की जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है और मातृभाषा में शिक्षा पर दिए जाने वाले इस जोर को पूरे भारत ही नहीं समूचे विश्व में फैलाने के लिए कृत संकल्पित ऐसे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें इस आयोजन को करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया प्रेरणा भी दी। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है और पूरा विश्व इसका अनुसरण करता है। इस भारतीय संस्कृति को दिग्दिगंत तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हमारे माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे इस आयोजन में उपस्थित हुए। उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए प्रेरणा है, उनका भी अनेक आभार। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी हमारे लिए निरंतर उत्साह मूर्ति के रूप में उपस्थित होते हैं, उनका उत्साह वर्धन हमें प्राप्त हुआ इसके लिए हम उनके लिए भी आभारी हैं। शिक्षा सचिव द्वय श्री अमित खरे जी, सुश्री अनिता कारवाल जी और संस्कृति सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी के भी हम आभारी हैं कि वे हमें सतत मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। ये आयोजन शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में हुआ है। शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आयोजन इस वर्ष आभासी पटल के माध्यम से हो रहा है। आपको स्मरण होगा पिछले वर्ष हमने ये आयोजन एक बहुत बड़े पैमाने पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में दिल्ली में अंबेडकर भवन में किया था। इस वर्ष आभासी पटल के माध्यम से निश्चित तौर पर हम सबको थोड़ी असुविधा तो है, लेकिन हम सब दूर दूर तक के लोग इससे जुड़े हैं और देश विशेष विदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य विद्वान भी इस पटल पर हमारे बीच उपस्थित हो पाए हैं। हम उन सभी विद्वानों का, देवियों और सज्जनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिनकी उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा बढ़ी है, इस आयोजन की शोभा बढ़ी है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सभी मातृभाषा को संरक्षित संवर्धित और आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम सभी मिलकर आज मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि भविष्य में हम अधिक से अधिक अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर अपने ज्ञान का भी विस्तार करेंगे और अपनी संस्कृति को भी श्रेष्ठतम शीर्ष पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी महानुभाव देवियों और सज्जनों का हृदय से आभार। धन्यवाद श्रीमान सच्चिदानंद जोशी जी। इसके साथ ही आज का यह कार्यक्रम समाप्ति पर आ पहुंचा है। आप सभी से अनुरोध है कि IGNCA फेसबुक लाइव या जूम के माध्यम से कल पुनः आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। इसके बारे में विस्तृत जानकारी IGNCA वेबसाइट और IGNCA फेसबुक पेज पर उपलब्ध है।